ओके जनरल मैन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सबा खैर, रामकरण नेचर प्लस वीडियोज यूट्यूब। एक छोटे से खेत का हम वीडियो बनाएंगे, ये देखिए इसका एंट्रेंस। सिर्फ हम मेरे साथ 5 मिनट लगे रहिए और इस एंट्रेंस को बंद किया जाता है। ये एक हुक टाइप बनाया और एक ये रस्सी है ताकि कोई रात को पशु ने आए इस एरिए में, कालका शिमला हाईवे का नेचर जो भी है एरिया, यहाँ पर हिरण और इसके नीलगाय आकर खेती को खा जाती हैं। ये है जी धान का खेत, मैंने पहले अपने वीडियो में भी दिखाया था। और इस धान का खेत में ये है जी बिल्कुल 100% बासमती चावल, और थोड़े से चावल से थोड़े से का फल ज़्यादा आता है। और आपको मैं दिखाऊँगा कुछ छोटी छोटी अद्भुत चीज़ें। ये है नेचुरल रास्ता और ये देखिए फेंसिंग कितनी लोकल लकड़ी काट कर और बीच में वायर डालकर बनाया गया है। इट इज़ क्वाइट गुड एनफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फार्म। और ये है जी भाई भाई की सेफ का, आदमी आराम से इसमें से निकल के जा सकता है। और ये पानी जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर, और पानी ये रास्ते में एक पाइप डाला गया तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। आप देख सकते हैं पीछे हिल व्यू, और वो हिल व्यू जहाँ मेरी स्टिक है वहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है। इधर सनराइज विद इट्स रेज ब्लेसिंग्स ऑन अस। ओके, एंड आप सभी को शुभ दीपावली। आपको मैं बिल्कुल नेचुरल एरिया में दीपावली वाले दिन शेयर करवा रहा हूँ जहाँ पर बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आप को आज के दिन काफ़ी समय है मेरे पास, तो मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस पेश करूँगा। तब तक आप मेरा ये चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आपको मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये धान 10-15 दिन में पक जाएगा, उसके बाद इस धान को निकाल कर, अभी मंथ है अक्टूबर, यू कैन से अक्टूबर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उसके बाद इस जगह पर गेहूं लगाया जाएगा, वीट। एंड वीट रहेगा जी अक्टूबर नवंबर से लेकर थोड़े से ठंड के टाइम पे, और वो रहेगा अप्रैल तक। अप्रैल में जैसे सर्दी ख़त्म होती है वीट पक जाता है। ये तो हो गई जी खेत की बात। ये बीच में है उसका पेड़, खजूर का पेड़ है। हिल व्यू के पास में मस्त, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम जा सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो में लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बाद में ये लोड होने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। यानी वी विल ट्राई। धान में तो बोल रहा था कटना कटेगा थोड़ी दिन बाद, बट कट कर धान निकाल भी लिया गया है। ये देखिए बिल्कुल नीचे से सूख गया, अदरवाइज धान में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। और कटा हुआ धान निकाल लिया गया, उसको मैं फटाफट शॉर्ट कट मार कर धान के खेतों में से नंगे पाँव आपको ले जाता हूँ। ये और दिखाता हूँ कटा हुआ जहाँ सर धान, जहाँ से धान निकाल लिया गया वहाँ पर ये है जी। धान निकालने के बाद ये रह जाता है। परंतु सबसे बड़ी विडम्बना इस बात की है कि हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्स में, जींद कैथल और कुछ डिस्ट्रिक्स में धान के खेतों में से सीधा ये मशीन फेर दिया जाता है, और उसके बाद इसको बोलते हैं जी पराली, इसमें आग लगा दिया जाता है, जिससे बहुत हाई क्वालिटी का ये निकलता है, प्रदूषण होता है, इसको नहीं करना चाहिए। ये देखिए इन्होंने पूरे धान को काटा है, उसके बाद इसको पत्थर के ऊपर मार मार कर इसमें से जो भी बीज मिला वो निकाल लिया गया, और ये अभी सीधा पशुओं के इसके चारे के काम आएगा। ओके, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉय माई वीडियो ऑन दीपावली डे। इफ सो देन प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स अ लॉट।